सूरजपुर में 72 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस्तीफा देने का मामला आया सामने। संसदीय सचिव पारसनाथ राजवाड़े ने कांग्रेसियों से की मुलाकात। जगदलपुर में मसीही समाज को लोगों ने किया धरना प्रदर्शन, मौलिक अधिकारों के हनन पर जताया विरोध। जगदलपुर में कलेक्टर विजय दयाराम की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक, एनजीजीबी कार्यक्रम के तहत संचालित कार्यों की हुई समीक्षा। जगदलपुर में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा ने किया जन चौपाल, जन चौपाल में ग्रामीणों ने अपनी समस्याओं को लेकर की चर्चा, तेंदुपत्ता संग्रह का हो रहा भारी नुकसान। जगदलपुर में लंबी वायरस का प्रकोप, शासन प्रशासन नहीं उठा रहा कोई कदम। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम छत्तीसगढ़, मैं हूं आपके साथ ईशा भार्गव। तो रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों की ओर। बीजापुर में बीमारी के चलते नक्सली कमांडर बसंत की मौत हो गई। वहीं नक्सली अपने कमांडर की मौत को एक बड़ा नुकसान भी मान रहे हैं। टोंगगुड़ा और भट्टीगुड़ा जैसे बड़े हमलों में नक्सली कमांडर शामिल थे। वहीं पूरा मामले की जानकारी माओवादियों के दक्षिण सब जोनल प्रवक्ता समता ने प्रेस नोट जारी कर दी। बसंत गंगालूर थाना क्षेत्र के कोरचोली में का ये निवासी था और संगठन में कई महत्वपूर्ण पदों पर भी काबिज था। वही जगदलपुर के कलेक्टर श्रीरज दयाराम ने ग्रामीण औद्योगिक पार्क और नरवा गरुआ घुरवा बाड़ी कार्यक्रम के तहत बस्तर जिले में संचालित कार्यों की समीक्षा की। कलेक्टोरेट के आस्था कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रकाश सर्वे सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने समीक्षा के दौरान गोबर खरीदी, खाद निर्माण और विक्रय पर जोर देते हुए कहा कि सभी गौठानों में गोबर खरीदी का कार्य अनिवार्य तौर पर किया जाए। उन्होंने सभी गौठानों में प्रति सप्ताह 30 क्विंटल गोबर खरीदे के लक्ष्य को पूरा करने के भी निर्देश दिए। कलेक्टर ने गोधन योजना को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अधिकारी कर्मचारियों को बेहतर कार्य करने के भी निर्देश दिए। वहीं जगदलपुर में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा वन प्रबंधन समिति ने मधोता संग्रहण केंद्र में जन चौपाल कार्यक्रम किया, जहां ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं बताई। उनका कहना है कि पहले की सरकार द्वारा तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए जंगल के अंदर जाने के लिए जूते चप्पल सहित सुरक्षा के उपाय किए जाते थे, क्योंकि तेंदुपत्ता संग्रहण के लिए जंगल के अंदर जाना पड़ता है, जहाँ सांप बिच्छू सहित तमाम प्रकार के जीव जंतु होते हैं। लेकिन वर्तमान सरकार किसी प्रकार की सुविधा मुहैया नहीं करा रही। साथ ही तेंदुपत्ता संग्रहण के बाद पहले की सरकार खरीदो केंद्र पर 15 दिन की ज्यादा समय सीमा नहीं दे रही, लेकिन वर्तमान सरकार ठेकेदारों द्वारा मनमानी कर 2-3 दिन में ही खरीदी बंद कर दी जा रही है और उस पर पत्तों के क्वालिटी पर भी सवाल खड़ा हो रहा है, जिससे संग्रहकों और संग्रहणकालयों का भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। इन मांगों को लेकर जन चौपाल के माध्यम से हस्ताक्षर अभियान भी चलाया जा रहा है। पूरे राज्य के जन चौपाल के माध्यम से हस्ताक्षर के साथ महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। वन प्रबंधन समिति बस्तर के अंतर्गत तेंदुपत्ता संग्रहण केंद्र मधोता में हम लोग हमारे अनुसूचित जनजाति मोर्चा के टीम साथ में संग्रहकों के बीच हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। जैसे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के सरकार आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह के सरकार के समय तेंदुपत्ता खरीदी कम से कम 15 दिन खरीदी किया जाता था, लेकिन वर्तमान भूपेश बघेल की सरकार मात्र 1-2 दिन खरीद करके बंद कर दिया दे रहा है, जिससे तेंदुपत्ता संग्रहकों को भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि तोड़ा हुआ तेंदुपत्ता को भी तालाबों में फेंकना पड़ रहा है, खाद के गड्ढे। वही जगदलपुर में मसीह समाज के लोगों ने अपने मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए धरना प्रदर्शन किया। मसीह समाज ने पत्रकारों के समक्ष अपनी समस्या रखी, जिनमें ग्रामीण क्षेत्रों के मसीही समाज के लोगों ने अपने धार्मिक स्थल यानी
चर्च और पारिवारिक प्रार्थना में अवरोध उत्पन्न किया जाना, ग्रामीण क्षेत्रों के मसीही समाज के लोगों को सार्वजनिक स्थल पर पेयजल के उपयोग पर रोक, ग्रामीण क्षेत्रों के मसीही लोगों के देह संस्कार के समय बाधा उत्पन्न कर परिजनों के शोक को बढ़ाए जाना और सामाजिक कार्यक्रम जैसे विवाह और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों पर रोक जैसी समस्याओं के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों के मसीही लोगों को अपने खेत में खेती भी नहीं करने दी जा रही और जीवन यापन के लिए मजदूरी करने पर भी रोका जा रहा है। वहीं जगदलपुर के बस्तर संभाग मुख्यालय के एक ज्वेलर दुकान में चोर के हाथ साफ करने का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक सदर वार्ड मेन रोड स्थित देवेंद्र ज्वेलर्स में अज्ञात युवक ने सोने की चेन चोरी कर ली। घटना की जानकारी लगते ही मौके पर कोतवाली थाना की पुलिस पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के जरिए युवक की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। सोने की चेन की कीमत लगभग 7 से 8 लाख रुपए बताई जा रही है। कल रात को 7:30 बजे करीब दो व्यक्ति आए थे अलग अलग। एक आदमी सोने की चेन देख रहा था, एक आदमी उधर अंगूठी देख रहा था चांदी की। तो चांदी वाला अंगूठी नहीं लिया और वो चुपचाप चला गया। फिर सोने वाला देखते देखते अचानक वो एक दो पहन के भी देखा, उसके बाद उठाया वो रोल को, उसमें करीब 12 चेन थी, लेके भाग गया। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गांव की अर्थव्यवस्था को सुधारने और पशुओं को संरक्षण देने के लिए सुराजी गांव योजना को शुरू किया है, जिसके तहत सड़क पर घूमने वाले पशुओं के लिए गौशालाएं बनाई जाएंगी और उनके लिए चारे का भी बंदोबस्त किया जाएगा। लेकिन असल गौठानों कांजी हाउस के हाल खस्ता दिखाई दे रहे हैं। कांजी हाउस परपा वो जगह है जहाँ प्रशासन ने मॉडल गौठान बनाने को कहा था। बता दें कि बड़ी संख्या में लंपी वायरस से रोज गाय मरती है, जिसका इलाज सिर्फ इतना है कि बड़ा और लंबा सा गड्ढा खोद दिया जाता है और मरी हुई गायों को उसमें गाड़कर दफना दिया जाता है। लंपी वायरस से कई गायों की भी मौत हो चुकी है। वहीं जगदलपुर में रावघाट रेल लाइन विस्तार की मांग को लेकर रावघाट जगदलपुर रेल लाइन का काम 4 सालों में पूरा करने की घोषणा हुई थी, जिसमें आज तक रेल विभाग की ओर से 1 इंच का भी कार्य नहीं करवाया गया है, जिसको लेकर बस्तर रेल 2 सालों से आंदोलन कर रहा है। शासन प्रशासन को ज्ञापन देने के बाद भी आज तक कार्य आरम्भ नहीं हुआ, जिसको लेकर रेल आंदोलन द्वारा सर्वसम्मति से महाबंद जन जागरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसका आज 5वां दिन था। वहीं रेल संघर्ष समिति द्वारा साप्ताहिक बाजार छाप भानपुरी करंजी समेत कई बाजार में जन जागरण पैम्पलेट पोस्टर नुक्कड़ सभा आयोजित की गई है। वहीं बस्तर में स्वर्गीय दीपक कर्मा की दूसरी पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में संसदीय सचिव रेखचंद जैन शामिल हुए और स्वर्गीय दीपक कर्मा के द्वितीय पुण्यतिथि पर मूर्ति का अनावरण किया। इस अवसर पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए विधायक रेखचंद जैन ने कहा कि स्वर्गीय दीपक कर्मा जी का असमय निधन न केवल कांग्रेस पार्टी लेकिन मेरे लिए भी पारिवारिक क्षति है। स्वर्गीय दीपक कर्मा जैसे युवा और मिलनसार स्वभाव के नेता का असमय निधन न केवल दंतेवाड़ा बल्कि पूरे बस्तर के लिए क्षति है। वहीं अगली खबर जगदलपुर के बस्तर के काकतीय राजवंश से है, जहां महाराजा दलपत देव के नाम पर दलपत सागर का नाम रखा गया। बता दें कि दलपत सागर जगदलपुर शहर की पहचान है। 100 सालों से यह तालाब अस्तित्व में है, लेकिन इस तालाब के रखरखाव में अनेकों गड़बड़ी भी हैं। प्लास्टिक और अन्य कचरे तालाब के ऊपर तैरते नजर आ रहे हैं। सरकार के स्वच्छ भारत योजना के अंतर्गत काम ना होता देख शहर की जागरूक जनता ने दलपत सागर को साफ करने का बीड़ा उठाया है और लगातार जरूरत के अनुसार आम जनता को श्रमदान कर सफाई की जा रही है। ये हमारा आंदोलन जो पिछले 2 साल पहले भी चला था, 5 नवंबर से लेकर 26 जनवरी 2020 तक का, उसमें भी हमने और हमारी पूरी टीम ने मिलके लगभग शहर के उसमें 2000 लोग भी जुड़े थे।
सफाई अभियान चलाया था, शायद उसका ही ये नतीजा था कि आज जलपत सागर का जो आप सौंदर्यीकरण देख रहे हैं वह उस आंदोलन की ही देन है कि लोग इसके प्रति जागरूक हुए, शासन जागरूक हुआ, प्रशासन जागरूक हुआ था और जलपत सागर को वापस पुनर्जीवन मिला था। लोगों से आह्वान करना चाहेंगे कि जगदलपुर बस्तर का बहुत खूबसूरत है जलपत सागर है और इसकी हमारे जगदलपुर और बस्तर की पूरी और छत्तीसगढ़ की पहचान है। इसमें गंदगी है तो इसके लिए हम केवल शासन प्रशासन के साथ सहयोग करें और सबके सब लोग मिल करके अपनी नैतिक जिम्मेदारी मिलते करते हुए यहाँ पर स्वच्छता अभियान में जो भी योगदान देना चाहें, हमारी धरोहर है, हमारी पहचान है, आदिकाल से ये चला आ रहा है, आप सभी जानते हैं। स्वस्थ रहने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, जैसे सुबह सुबह बाहर निकलना, सूरज की धूप में कुछ देर रहना और व्यायाम करना, परिश्रम करना, इन सब को हमने जोड़ दिया है जलपत सागर सफाई अभियान से। यहाँ रह के हम शनिवार इतवार को जो एक दो घंटे सफाई करते हैं, जलकुंभी हटाते हैं, उससे तालाब भी साफ होता है और हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। वहीं सूरजपुर के भटगांव विधानसभा में 72 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इस्तीफा देने का मामला चर्चा में बना हुआ था, लेकिन अब इस पर विराम लग गया है। बता दें कि भटगांव विधानसभा के चांदनी बिहारपुर क्षेत्र में 72 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा नगरीय प्रशासन मंत्री शिव कुमार डहरिया के दौरे के दौरान पार्टी से इस्तीफा देने की बात सामने आई थी, जिसके बाद विधायक और संसदीय सचिव पारस राजवाड़े के निवास पर 72 कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुलाकात कर अपनी समस्या के बारे में बताया, जहां मौके पर ही विधायक ने कार्यकर्ताओं के समस्याओं का निराकरण किया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि वो चांदनी क्षेत्र के ब्लॉक अध्यक्ष की कार्यशैली से नाराज थे। वहीं पूरे मामले को लेकर विधायक राजवाड़े ने बताया कि कार्यकर्ताओं को भ्रमित किया गया है। चांदनी क्षेत्र के ब्लॉक अध्यक्ष ने एक साल पहले ही पद से हट चुके थे, जिसकी जानकारी के अभाव में कार्यकर्ता मंत्री तक पहुंच गए थे। ऐसे में कार्यकर्ताओं से चर्चा कर उनकी समस्याओं का निराकरण किया गया है। भटगांव विधानसभा में कांग्रेस पार्टी मजबूत है और रहेगी। हम लोग अपने उपमंडल जो हम लोग का मंदिर गुर्जर जी थे, उनको तानाशाही रवैये से और कार्यकर्ताओं से सही संबंध नहीं रखते थे, कार्यकर्ताओं को सही लेकर के नहीं चलते थे, तो उनके खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठाया था और आकर अपने पार्टी में ऊपर सूचना दिए थे कि अध्यक्ष यदि नहीं पलटा जाता है तो वहाँ की स्थिति ठीक नहीं रहेगी और वहाँ उनके साथ में हम लोग काम नहीं करेंगे। ऐसा कोई खास चर्चा नहीं तो हुआ, आज मुलाकात हुआ। पूरा हमको भरोसा है और सब पूरा एक है, हम लोगों का बात पूरा 100% माना गया है और सही निरीक्षण लिया गया है। हम लोग विधायक महोदय के साथ में हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ में हैं और हर समय तन मन धन से काम करेंगे। कोई हम लोग में मतभेद नहीं है, हम लोग एक परिवार, एक पार्टी के हैं, एक जगह के हैं और एक जगह रहेंगे। ऐसा पार्टी छोड़ने वाली कोई बात ही नहीं उठती है, हम लोग छोड़ने के लिए बोले भी नहीं थे। ये अपने संगठन का मामला था जिसे एक परिवार का मामला होता है। आपने अपने बीच कुछ मतभेद हुआ था अध्यक्ष को लेकर बिहारपुर में, तो क्या था कि इसमें इस्तीफा का बात ही नहीं था, इसमें ऐसा था कि हमारा मांग अगर पूरा नहीं होता है तो हम इस्तीफा दे सकते हैं। देने की तो इसमें कोई है नहीं, हम इस्तीफा दे दिए, हम कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में ही रहेंगे और करते रहेंगे, तो इस्तीफा तो इसमें कोई बात ही नहीं है। और आज कोई बात ही नहीं, एकदम बिल्कुल ही एकदम साफ मैं कर दे रहा हूँ कि इस पार्टी कोई 72 कार्यकर्ता साइन किए हैं, कोई पार्टी नहीं छोड़ रहा है, एकदम स्पष्ट है। तो इसमें क्या था कि कुछ लोग ऐसा कि पार्टी छोड़ दिए, छोड़ रहे हैं, छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम पार्टी में हैं और हमारा जो मांग था, मांग आज पूरा हो गया। यह सामूहिक मांग था, हम लोग यूथ कांग्रेस से हैं और हमारे सीनियर लोगों का यह मांग था और उनका भी मांग पूरा हुआ, हम उनके समर्थन में थे। तो सच्चाई यह है कि देखिए, हम लोग मतलब इस्तीफा देने का मांग किए थे। अगर हम लोगों का मतलब अगर बात नहीं अगर जैसे सुना जा रहा है अपने उच्च नेताओं के द्वारा, पार्टी के द्वारा, विधायक महोदय जी के द्वारा, तो हम लोग ये लिखे थे कि हमारी मांगे जो हैं इस्तीफा का स्वीकृति सत्कार किया, इनका हम लोगों का पूरा भरोसा है, पूरा हम लोग भरोसे के साथ आए थे। जो हम लोग मतलब बात रखे थे, हम लोगों की बात पूरी हुई है, बहुत विधिवत गौर से वो सुने, हम लोगों का निदान किया। ये रणनीति तो ये रहेगी कि अब हमारे यहाँ मतलब जब तक बहुत पहले से बीजेपी का 15 साल राज रहा। 5 तारीख को प्रभारी मंत्री सूरजपुर प्रवास पर थे और सूरजपुर प्रवास में बिहारपुर के कार्यकर्ता सभी एक ज्ञापन दिए थे जिसमें 70-72 लोगों का नाम था और इस्तीफा की पेचकश किए थे कि हमारी जो मांग है मंदेश गुर्जर को हटाने का, और उनको नहीं हटाएंगे तब तक तो हम इस्तीफा दे रहे हैं, हमारा इस्तीफा स्वीकार किया जाए। उसी तात्व में आज
बिहारपुर के सभी कार्यकर्ता संपर्क किए कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। मैंने कहा आप सब मिलना चाहते हैं तो आ जाइए। सभी लोग आए, अपनी बात रखा, आपस में चर्चा हुई। चर्चा के बाद यह स्पष्ट हुआ कि हम लोग दिग्भ्रमित हो गए थे। वहीं महासमुंद में कुप्रथा और अंधविश्वास का एक ऐसा खौफनाक मामला सामने आया है जिसमें इलाज के नाम पर एक दूध पीते बच्चे को गर्म सरिया और अगरबत्ती से दाग दिया गया और एक नहीं दो नहीं बार बार बच्चे को दागा गया। वहीं बच्ची को 6 बार दागा गया। दागने के बाद सामाजिक कुप्रथा और जानकारी के अभाव में इलाज के नाम पर आज भी ग्रामीण इलाकों में ये किया जा रहा है, जिसका सबसे ज्यादा खामियाजा नवजात बच्चे को भुगतना पड़ रहा है। बच्चे को पेट में दर्द था, तकलीफ थी, तो वो गांव में एक मान्यता है कि अगर उसको जगह जगह छोटे छोटे दाग कर दिया जाए आग से तो दर्द कम हो जाता है, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि पेट दर्द का कारण कुछ और है। और केवल ये चमड़ी में हमारा जो दागते हैं तो वो बच्चा जो है उस समय के लिए चमड़ी में जो दागा है वो जलने के दर्द से उसका पेट का दर्द जो है उससे कोई संबंध नहीं है, वो जलने का दर्द बल्कि बढ़ जाता है। तो परिवार के लोग समझते हैं कि इसका पेट दर्द ठीक हो गया, जबकि वो जलने का दर्द उसको बराबर रहता है और उसके कारण बच्चा जो परेशान रहता है, रोता है। और ये बड़ा अमानवीय कृत्य है कि एक नवजात बच्चे को इस तरह पेट में 10-12 जगह आग से दागा जाता है। मतलब ये इसको ना घर वाले जैसे पुराना रीति रिवाज है ना कि ऐसे करने से ना बच्चे का जो सेहत है अच्छा रहता है, इसमें पानी वानी अच्छा से पछता भी है, ये सोच के ना घर वाले उसको दागे हैं। वही विद्यार्थियों में छिपी प्रतिभाओं को निखारने के लिए पेकोर पंडुम समर कैंप का आयोजन किया गया। बीजापुर में पहली बार गर्मियों की छुट्टियों में समर कैंप पेकोर पंडुम का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान अधिकारी ने कैंप की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया, जो कि 23 मई तक चलेगा। पेकोर पंडुम जिला प्रशासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी ब्लॉकों के स्कूली बच्चे 50 विधाओं में शामिल होकर सभी तरह के प्रतिभाओं को निखारने के साथ ही अपने आप को शारीरिक, मानसिक और खेलों के लिए तैयार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।